सकते हैं जो विड्रॉल, मगर हमने अभी ऑप्शन ओपन करने के लिए डेटा नहीं है। जैसे ऑप्शन ओपन होगा आपको लिंक दिया जाएगा कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो फिर आप कर सकते हैं उसमें। हाँ, और भी एक बात, और भी एक सवाल आया है, जिन्होंने कंटिन्यू भी नहीं किया, डिसकंटिन्यू भी नहीं किया, ऑनलाइन उनको आता नहीं है बेचारों को, तो उनका कंटिन्यू है अपने बिजनेस में, इंशाल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ, अगर जान भी जाएगा ना मैं मेरी कंट्री को छोड़ूंगी, ना मेरे जिम्मेदारियों को छोड़ूंगी, ना मैं आपको छोड़कर जाऊंगी, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तीन साल से एक तरफ मेरी तकलीफ को देख के बर्दाश्त किए ही, एक तरफ आके तुम अपने हालात से भी बर्दाश्त किए ही, मुझे ये भी मालूम था, मगर फिर भी मैं बोली इसको फेस करना जरूरी है। एक मिनट, आप जो भी साथ थी, मैं उन सबके लिए दुआ, आप बात करिए, जरूर बात करिए मेरी बात के बाद, आप जो भी साथ थी मैं उसका शुक्रिया मैं अल्लाह के सामने अदा करूंगी, तुम्हारे सामने अदा करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो साथ खड़े थे, जो रोते थे, आप लोग कोर्ट्स में आते थे, मुझे देखते थे, तुम्हारे आंखों का आंसू, तुम्हारे हाथों में बॉटल पानी पकड़ के खड़ना, हर चीज में गौर करती थी। ऐसा नहीं कि मैंने गौर नहीं किया है, मगर अल्लाह से आज दुआ है, मैं बड़ी खुश हूँ कि अल्लाह ने फिर से हमारे लाइटों को चमकाया, फिर से हमारे मार्टों को चमकाया, फिर से अल्लाह ने हमारे शोरूमों को शुरू किया, फिर से अल्लाह ने हमारे बिजनेस को शुरू किया है। रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह, ये 3 साल जो डिले हुआ है, हमारा ही नहीं बल्कि COVID-19 की वजह से तुम्हारे शापा भी नहीं चलेगी, जो शाप चलाते थे, जो दुकान चलाते थे, जो बिजनेस करते थे, जो मजदूरी करते थे, वो मजदूरों की भी हालत खराब हो चुकी है। तो आज अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप सही सलामत से और चैलेंज करती हुई, वादा करती हुई तुम्हारे सामने आई है, तुमको पेमेंट करने को तैयार है। आज जिनके भी मैं पूरा डिक्लेरेशन नहीं करके तुमको पेमेंट कर सकती हूँ, हाँ वक्तिया तौर पे कर सकती हूँ, जरूरत के लिए कर सकती हूँ, जो भी है, जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा जी, उसे हम बैंक का स्टेटमेंट, प्लीज एक मिनट, बिल्कुल, मेडिकल इमरजेंसी नहीं, घर की भी जरूरत है तो हम एक पेमेंट करने की कोशिश करेंगे बैंक का स्टेटमेंट चेक करके, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास सोर्स है, उस सोर्स से चेक करके हम तुम्हारे लिए देने की कोशिश पूरी करेंगे। मगर कंटिन्यूसली कंपनी पहले कैसा, एक दिन में हजारों लोगों का पेमेंट, लाख लोगों का पेमेंट करती थी, वैसा करने के लिए डेटा पूरी संभल होना जरूरी है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है मार्च के महीने में यह हो जाना चाहिए हमको, इंशाल्लाह फरवरी में हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार हमारा वही आर्ग्यूमेंट है, इंशाल्लाह हमारी ये लेने में सोर्सेज भी हैं, उसके लिए भी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, फाइनल जजमेंट का वेटिंग मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी ऑफिस कल से इंशाअल्लाह ता कियामत बंद नहीं होना, अल्लाह से ये दुआ करिए, कल से 10 बजे से 7 बजे तक ऑफिस खुली रहेगी, ये अभी पूरे महाराष्ट्र की कॉर्पोरेट ऑफिस होगी, हाँ, और ब्रांच ऑफिसेज भी शुरू होंगे, मार्ग भी शुरू होंगे। देखिए कंटिन्यू है तुम्हारा बिजनेस, जो कंटिन्यू है इंशाअल्लाह बेनिफिट मार्च में डिक्लेयर हो जाएगा, और जैसा डेटा मिलेगा तुम सबको प्रॉफिट पहले कैसा आता था वैसा आना चालू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप आएंगे ना स्टाफ से बात करिए, आपकी मर्जी पे है। देखो आपको कंटिन्यू करना है, आप रहना है, जाना है, आपकी खुशी पे छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ऑप्शन दे दिया, उसके लिए ऑप्शन शुरू होगा आपको इंशाल्लाह। देखिए 2018 के रहो, 2017 के या 2000 के या 1998 के, वो मेरे मेंबर है, मेरी फैमिली है, सबको उनको पेमेंट मिलेगा। जैसा देखिए अभी आपने जो डाला है ये इमरजेंसी को चक्कर, उस बेस पे तुम्हें विड्रॉल मिलेगा। अगर नहीं आप रुकते हैं तो बिजनेस में आप कंटिन्यू हैं, अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेटा आने के बाद आपको जो है पूरा पेमेंट मिल जाएगा, हिसाब किताब क्लियर कर देंगे। वाले हो या 2010 वाले हो, जब तक मैं आपको क्लियर नहीं करती मैं सांस नहीं लेती, क्योंकि मेरे ऊपर वो एक अमानतदारी और एक जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। और दूसरी बात, जो लोगों को ये कहा गया था के बेनिफिट जो है हम काट कर देंगे, दिए भी ही बहुत सारे लोगों को, वो किस मौके में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ है, एक तरफ अकाउंट फ्रीज है, एक तरफ आप लोग पैसे मांग रहे हैं, उस टाइम पे हमने क्या कहा, भाई तुमको कितना पैसा मिला है वो पैसा पकड़ लो, अभी तुमको इस हालत में जाना है ना तो बाकी का पेमेंट लेके चले जाओ, ये भी आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई
एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। वो भाई पूछ रहे हैं कि जाने से पहले 6 महीनों का जो, सुनिए सुनो, जाने से पहले 6 महीनों का पेंडिंग रहो या उससे पहले 2 साल का भी पेंडिंग रहो, वो तुम्हारे डेटा में तुम्हें मिल जाएगा और कभी कंपनी तुम्हें लास्ट नहीं करेगी। जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा और ऑलरेडी एग्रीमेंट पे तुम्हारा साइन है कि प्रॉफिट और लास्ट में तुम लोग हिस्सेदार हो। मगर प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लास्ट है तो लास्ट भी डिक्लेरेशन आपके सामने होगा इंशाल्लाह। जब डिक्लेयर हो गया है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा मेरे भाई, अभी मिलेगा। अब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह चेक करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक मिनट भाई का सवाल सुनने दो लोगों को। देखिए जो लोग विड्रॉल के लिए डाले हुए हैं, अब कंपनी के ओपन के बाद अब उनका दिल बोलता है कि चलो हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जो विड्रॉल। मगर हमने अभी ऑप्शन ओपन करने के लिए डेटा नहीं है। जैसे ऑप्शन ओपन होगा आपको लिंक दिया जाएगा कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो फिर आप कर सकते हैं उसमें। हाँ, और भी एक बात, और भी एक सवाल आया है, जिन्होंने कंटिन्यू